कितने टाइम से है आपको प्रॉब्लम? करीबन 10 साल हो गए। 10 साल। ये ब्लड की गड़बड़ी से होता है रोग बालों का, तो इसमें बाल की जड़ें सूख जाती हैं हमेशा के लिए, फिर नहीं आते बाल कभी भी। लेकिन दवा करना ज़रूरी होता है, नहीं तो इसका एरिया बढ़ता जाएगा, फिर ये पूरा बाहर तक आ जाएगा। शुरू में तो एकदम सेंटर में शुरू होता है, फिर इसका एरिया बढ़ते जाता है पूरा, और बाहर दिखने लगेगा। तो फिर अभी तो ढक भी जा रहा है, तो इसकी दवा करिए। इसमें इचिंग हो रही है, खुजली? हाँ, खुजली कभी कभी होती है। खुजली का मतलब अभी डिजीज़ एक्टिव है, मतलब बढ़ने की स्टेज चल रही है इसकी। अभी निकलता है बारिश में से। जो नए वाले हिस्से झड़े हुए हैं उसमें अभी रूट्स बची होंगी, तो वो दवा करेंगे तो वापस आएगा किनारे के साइड में, सेंटर वाले में नहीं आएगा। सेंटर वाला जो बहुत पुराना है 10 साल वाला, वो पूरा सूख चुका होगा। बायोप्सी कराया था? लाइकन वेनस पिगमेंटोसिस के हेल्प की बायोप्सी में आया था। लिम्फो प्लाज्मोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट मिला था इसमें। तो कालापन होता है, इस शरीर में भी आता है। बदन में भी काले स्पॉट्स हैं? हाँ। देखें कहाँ पे? हाँ, कभी कभी इसमें स्किन में भी होता है, ऐसे बदन में भी। यहाँ पे भी। ये वाला ब्लैक भी उसी का हिस्सा है। ये पहले तो फर्स्ट टाइम ब्लैक होता है, फिर वहाँ से बाल झड़ जाता है। बाल झड़ जाता है उसमें से। हाँ, देखें एक बार फिर से सिर। अभी मेडिसिन शुरू करेंगे तो इचिंग ख़त्म हो जाएगी, बीमारी का बढ़ना रुक जाएगा, तो कम से कम जो स्टेज में है अभी उतने में रुक जाएगा। थोड़ा बाल बाल बढ़ा के रखेंगे तो ये खाली एरिया ढका हुआ रहेगा, कवर रहेगा। एक बार डिजीज़ रुक जाए तो उसके बाद कुछ एरिया में ट्रांसप्लांट करके देखेंगे, अगर रूट्स सेट हो जाते हैं तो अच्छा ही है। जब तक डिजीज़ एक्टिव होती है तब तक कुछ कर नहीं सकते, दवाइयाँ लेकर रोकना होता है इसको। वही लाइकन पेनस के लिए दीजिए आपको, सिकाट्राइकल एलोबेशिया है।